अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको आजकल फैक्टराइज मेथड करा रहा हूँ। मैथमेटिक्स 9th-10th साइंस ग्रुप का है, एक्सरसाइज नंबर 5.5 आज का मेरा काम होगा। उसके अंदर चार सवाल आपके सामने दिए गए हैं बुक के, आपके ठीक है, सीरीज से ही है, आप बुक में देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम एज इट ऐसे होंगे। अच्छा, इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो आप देखें। पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट में आपको प्लस के साथ लिखने हैं ए बी और सी को, और दूसरे ब्रैकेट में आपने क्या करना है, ए का स्क्वायर लिखना है प्लस बी का स्क्वायर लिखना है प्लस सी का स्क्वायर लिखना है, और फिर माइनस का निशान डाल के ए और बी को मल्टीप्लाई करके साथ लिखना है, और फिर माइनस का निशान डाल के बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, और फिर माइनस का निशान डाल के ए और सी या सी और ए को मल्टीप्लाई करना है। ये है हमारा फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक करेंगे। अब इस फार्मूले के मुताबिक मैंने आपको पहला सवाल उतार के दिखाया था, ए क्यूब माइनस 8B³ 27C³ और प्लस 18ABC, मैंने आपको पहला सवाल उतार के लिख दिया है। अब याद रखें, आप यहाँ आप लिख दीजिएगा सॉल्व, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम। सबसे पहले तो लगाएंगे इसका फार्मूला, ठीक है, यही वाला फार्मूला देखें, मैंने आपको बिल्कुल राइट करके दिखा दिया है यहाँ पर। उसके बाद हम सवाल दोबारा उतार लेंगे, ठीक है, सवाल दोबारा उतारने के बाद बराबर का निशान लगाएंगे। अब हम देखेंगे ये तीनों के तीनों जैसे फार्मूले के मुताबिक ना, वैसे देखना हमने किस किस के क्यूब हैं ये, तो बराबर का निशान डाल के ए क्यूब ए का क्यूब है, ठीक है, फार्मूले के मुताबिक प्लस का निशान डालेंगे, और ये माइनस 8 अंदर लिखना है आपने, माइनस 8 अंदर लिखना है, सॉरी माइनस 2 लिखिएगा इसकी जगह, क्योंकि 8 जो है 2 का क्यूब होता है और बी जो है बी का क्यूब होता है, तो चुनाचे माइनस बी 2B का क्यूब ले देंगे आप। फिर आप समझ लें, देखिए ए क्यूब सिंगल था, ए क्यूब ए अंदर लिखा हमने, क्यूब बाहर लिख दिया, बाहर प्लस का निशान लगाना है आपने, ठीक है, और ये माइनस 8B³ था, तो चुनाचे 8 जो है 2 का क्यूब होता है और बी का क्यूब होता है, तो माइनस 2B अंदर लिखा, प्लस का निशान डाल के अभी 27 आ गया वापस, 27 3 का क्यूब होता है और सी का क्यूब होता है, ठीक है, फिर प्लस का निशान डाला हमने, फार्मूले में हमारा माना का निशान होता है, याद रखिएगा, ठीक है, फार्मूले में हमारा माना का निशान होता है, हम फार्मूले के मुताबिक कर रहे हैं, देख ले बिल्कुल ही, ठीक है, तो चुनाचे माइनस 3ABC होता है, 3 पहले लिखेंगे आप, देखिए फार्मूले के मुताबिक कर रहा हूँ, A³ + B³ + C³ माइनस 3, और फिर ए की जगह पर आपने लिखना ए, फिर बी की जगह लिखना है आपने माइनस 2B, और सी की जगह लिखना है आपने 3C, ठीक है। अब आप इसकी चेकिंग कर लें कि आया ये सवाल आया नहीं आया हमारा, देखें ए का क्यूब ये बन गया हमारे पास, ठीक है, 2³ है तो ए माइनस 8B³ आ जाएगा, प्लस 3³ 27C³ आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का निशान आ गया, देखें फार्मूले में मुताबिक ये जो है प्लस का निशान हमारे पास आ गया, 3² = 6, 6³² = 18 ABC, देखें इसके बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, ठीक है, जब ये इक्वल हो जाएगा तो हम बराबर का निशान डाल के, बच्चों अभी हमने याला इसके बराबर साबित कर दिया, अभी हम पहला ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे A+B+C, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए की जगह तो लिखेंगे ए प्लस, और बी की जगह ले देंगे हम, चूंकि यहाँ पर बी की जगह पर माइनस 2B इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, माइनस 2B इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए प्लस माइनस माइनस का निशान ला के डायरेक्ट आप माइनस लगा दीजिएगा, माइनस 2B और प्लस 3C, ये तो आ गया आपका पहले ब्रैकेट में A+B+C वाला। फिर आप समझ लें अच्छी तरह से, देखें A+B+C लिखा हुआ पहले ब्रैकेट के अंदर, तो A+B+C की जगह पर आप पहले ब्रैकेट की A लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस का निशान आता है आपके पास, ठीक है, माइनस 2B जो B की वैल्यू होगी, माइनस 2B आई है यहाँ पर, प्लस 3C लिखेंगे और पहला ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब दूसरे ब्रैकेट में A का स्क्वायर लिखा हुआ, प्लस B का स्क्वायर लिखा है, प्लस C का स्क्वायर लिखा है, तो तीनों के स्क्वायर आपको लिखने पड़ेंगे, A का स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान डालेंगे आप फार्मूले के मुताबिक, बी की जगह पर माइनस 2B है तो माइनस 2B का स्क्वायर 4B² हो जाएगा, फिर प्लस सी स्क्वायर है, प्लस का निशान डालेंगे, सी की जगह 3C है तो 9C² हो जाएगा, यह आ गया इसका, ठीक है, और फिर माइनस AB है तो माइनस का निशान ये वाला डालेंगे आप, A और B को मल्टीप्लाई करना है, तो A और B को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 2 × 2 AB का आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये वाला होगा दोनों की मल्टीप्लीकेशन का, और माइनस का निशान फार्मूले का भी था हमारा, इसलिए माइनस माइनस प्लस 2AB आ जाएगा, 2AB आ जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस का निशान डालेंगे हम ये वाला, फिर दोबारा B और C को मल्टीप्लाई करना है, तो B और C की वैल्यू जो है हमारे पास ये है, तो माइनस प्लस माइनस का निशान आ रहा है, तो 2³² BC, क्योंकि माइनस का निशान आ रहा है माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, 2³² BC आ गया आपके पास,
ठीक है, और फिर आखिरी में मानक का निशान डालेंगे यहाँ पे सी ए वाला, सी ए को आपस में दोनों को मल्टी ए और सी को तरफ करना है तो 3AC, ये वैसे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब आपके फिर एक दफ़ा समझ लें, क्योंकि मैं सेकेंड और थर्ड ज़रा जल्दी करा दूंगा, तो पहला वाला फिर समझ लें। देखिए सवाल पहले उतारा आपने, ठीक है, ये सवाल उतार लिया आपने, दूसरी लाइन में लिखना ये फार्मूला, ठीक है, इसका मेथड समझ लिया। पहली लाइन में आपने सवाल लिखा, दूसरी लाइन में आपने लिखना फार्मूला। अब इस फार्मूले की मुताबिकत में, ठीक है, ये वाला सेक्शन हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो हमने देखा ए क्यूब माइनस ये वगैरह वगैरह, ये बराबर था ए का क्यूब, ठीक है, प्लस का निशान डालना फार्मूले का आपने, ये ठीक है, ए प्लस प्लस का निशान होता है, तो 8 जो है 2b का क्यूब था, और चूंकि ये मानक का निशान था इसलिए ब्रैकेट में मानक का निशान लगाया जाएगा, बाहर प्लस लगाना है आपने। फिर प्लस का निशान डाल के, ठीक है, 27c3 था तो 3c का क्यूब लगा देंगे आप, ठीक है, फिर मानक का निशान फार्मूले का लगाएंगे, 3abc हमारा मानक का निशान, 3 लिखेंगे ऐसी कैसी, ए की जगह लिख देंगे पहला ब्रैकेट ए, बी की जगह लिख देंगे दूसरा ब्रैकेट माइनस 2b, और सी की जगह ले देंगे तीसरा ब्रैकेट 3c। अब हम इनको चेक भी कर सकते हैं कि 3 × 6 = 18, ठीक है, ए बी सी और माइनस माइनस प्लस, देखिए सवाल में 18abc आ रहा है हमारा प्लस का, ठीक है, ये उसके बाद हम क्या करेंगे कि सवाल को सॉल्व कर देंगे। तरीक़ेकार ये होगा कि बराबर का निशान डालेंगे आप, कि अभी हमने ये वाला जूस तो कर दिया ना बराबर, अब यहाँ हम पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी खाली करके लिखना है, तो ए प्लस का निशान है, अब चूंकि मानक का निशान सेकंड जो आपके इक्वेशन में वो तो माइनस में थी, इसलिए मानक का निशान डायरेक्ट ला देंगे आप, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस 2 भी लिखेंगे, ठीक है, प्लस 3c आप ऐसे उतार लेंगे। अगर यहाँ भी मानक का निशान होता तो यहाँ पर भी मानक का निशान लगाना पड़ता आपको, ठीक है। अब पहला ब्रैकेट हमारा क्लियर हो गया, अब ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर लिखना हमने, तो पहले ए का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, प्लस का निशान डालेंगे, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर होता है, प्लस का होता है, ठीक है, मानक निशान स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है, प्लस 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर होता है, ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान डालना पड़ेगा हमको बाहर, प्लस हमने पहले मानक निशान डाला था फार्मूले के मुताबिक, ए और बी को मल्टीप्लाई करना था, ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab माइनस का आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, एक माइनस तो ये होगा, एक माइनस हमारा फार्मूले का भी था, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस माइनस प्लस लिख देंगे आप लोग ये, और फिर 2ab लिख देंगे। फिर उसके बाद बी माइनस बी सी था हमारे पास, तो इसलिए मानक का निशान डाल के वहाँ पर बी और सी दोनों हैं ये हमारे पास, तो 2 × 6 bc माइनस प्लस माइनस माइनस ये, तो माइनस वाला भी था, तो माइनस माइनस प्लस 6 bc आ गया। फिर उसके बाद माइनस सी ए था हमारे पास, मानक का निशान डाल देंगे, सी ये रहा ए ये रहा, तीनों दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3ac या सी ए लिख सकते हैं आप, तो ये इसका आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपकी उम्मीद है। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका ही, मैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, ए सिक्स माइनस 27, ए सिक्स माइनस 27, बी थ्री माइनस 8c6 और माइनस 18 ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, ए माइनस 18 ए स्क्वायर बी सी, सवाल ले दिया मैंने। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया, यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना बस, ठीक है, फार्मूला लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे ए सिक्स किसका बाहर लगाना आप, तो लाजमी तौर पर क्यूब, ठीक है, ए स्क्वायर का क्यूब होता है माइनस, ठीक है, यहाँ लगाना प्लस, क्योंकि फार्मूले में तो प्लस आता है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया प्लस लगाने सबके दरमियान आपने प्लस, अब माइनस का निशान डाले, 27 की जगह 3 आता है और बी का क्यूब आ गया, ठीक है, प्लस 8 की जगह मानक का निशान अंदर आएगा, 8 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3, 8 के बराबर होती है सी, 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है, माइनस 3 लिखे आप फार्मूले का, 3abc ये वाला, ठीक है, ए की जगह लिख देंगे आप पहला ब्रैकेट ए स्क्वायर, दूसरे की जगह लिख देंगे माइनस 3b माइनस 3b और तीसरे की जगह ले देंगे माइनस 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर, ठीक है, चलिए चेक कर लें आप इसको, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का निशान आ गया, 3 × 9 = 18 भी आ गया, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, सी स्क्वायर यहाँ पर था, यहाँ स्क्वायर सी था,
ठीक है, सी स्क्वायर का, तो बराबर कर फिर निशान डालें आप। अब हमने लिखना ये दोनों ब्रैकेट ये वाले, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी खाली है, तो पहले आप लिखें ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सेकंड जो टर्म है वो माइनस की है, माइनस का निशान डालेंगे, थ्री बी लिख देंगे आप, फिर थर्ड टर्म भी माइनस की है, टू सी स्क्वायर लिख देंगे आप, ठीक है। ये आ गया पहला ब्रैकेट आपका। दूसरे ब्रैकेट में आपने ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी करना है, ए स्क्वायर का स्क्वायर जो हो जाएगा बच्चों ए की पावर फोर बन जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान डाल ले, फार्मूले के मुताबिक बी स्क्वायर करना है हमने, तो थ्री बी का स्क्वायर हो जाएगा नाइन बी स्क्वायर, नाइन बी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस टू सी का स्क्वायर करना है, तो प्लस का निशान डालें आप और फोर सी फोर कर दें, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर फोर होता है। ये आ गया पहला ब्रैकेट के बाद, ये आ गया, ठीक है। अब माइनस ए बी करना है आपने, तो माइनस का निशान डालना है, तो माइनस का निशान डालना, माइनस का निशान पहले आप डालेंगे और फार्मूले का ए और बी को मल्टीप्लाई करें, ए ये रहा बी ये रहा और बीच में माइनस का निशान है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब माइनस का निशान फिर डालें आप ये वाला, ठीक है, बी बी और सी को करना है, तो बी ये रहा सी ये रहा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ठीक है प्लस तो लिखते नहीं है, तो थ्री टू दा सिक्स बी सी स्क्वायर, सिक्स बी सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर माइनस का निशान डालें आप, अब हमने करना सी ए, तो सी ए ए ये मौजूद है ए, अब जो आप देख रहे हैं कि ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का निशान आएगा जब आप करें, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे इसको। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, आप सी स्क्वायर ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं उल्टा करके, तो ये आपका दूसरा ब्रैकेट में यह आंसर है। ये इसका फैक्टराइज कर दी मैंने, ठीक है, समझ में आ गई आप लोग की। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है 27x3 27x³ माइनस वन प्लस 8y6 प्लस 18xy², ठीक है। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ तो आपने फार्मूला डालना है, उसके बाद आप बराबर का निशान डालेंगे यहाँ पर। 27 जो है 3 का क्यूब, 27 3 का एस 3 है, एस का क्यूब होता है, ठीक है। प्लस का निशान डालें आप फार्मूले के मुताबिक, ठीक है, इस भाव ये फार्मूला चला रहा हूँ मैं सवाल में, प्लस का निशान डालें और 1 जो है माइनस 1 अंदर आ जाएगा, क्यूब बाहर लग जाएगा। प्लस का निशान डालें आप, 8 की जगह 2y और 6 है ना, तो 2 अंदर और 3 बाहर, ठीक है। और फिर माइनस 3, ए की जगह पर 3x, बी की जगह पर माइनस 1 और सी की जगह पर 2y², यहाँ तक पहुँच गए हम। देखिए इसके मुताबिक कर दिए हमने फार्मूला, तो 3ab से तक हमने, अब देखिए चेक भी कर ले, माइनस माइनस प्लस का निशान, 3 3 9 9 2 18 1 18 y² ये हमारे पास आ गया, ठीक है, xy² आ गया हमारे पास। अब बराबर का निशान डाल के आपने ब्रैकेट के बाद वाली रकम यानी कि ये जवाब लिखना है आपने, तो a प्लस बी प्लस सी खाली है, तो चुनाचे हम क्या करेंगे, 3x माइनस का निशान डालेंगे, अंदर वाली रकम को माइनस यानी कि आपको साइन डालनी पड़ती है, माइनस 1 प्लस 2y² आप पहले ब्रैकेट में सिंपल लिख देंगे। देखिए जैसे a प्लस बी प्लस सी हमने लिखा था, उसकी जगह ये तीनों रकमें पुट करनी। अब दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों के तीनों के स्क्वायर लिखने हैं, तो 3x का स्क्वायर 9x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4y² हो जाएगा। ये तीन रकमें आपके पास, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली आ गई। अब तीनों को माइनस के निशान के साथ हैं, तो माइनस के निशान आप डालें, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 x काय का माइनस का आ रहा है, तो प्लस का कर दें आप, ठीक है, प्लस का कर दें, 3x 1 3x, ठीक है। अब दूसरी जगह हम माइनस का निशान फिर डालें फार्मूले का, बी और सी करना है आपने, तो माइनस प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस आ रहा है तो प्लस कर दें आप, और 2y² 1 2y², ठीक है। अब तीसरी रकम माइनस का निशान फिर डालें, सी ए है, सी ए रहा ए ये रहा, 3 2 6 माइनस का निशान बरकरार रहेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, 3 2 6 xy², ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, समझ गए आप लोग। अब चौथा, अब स्टूडेंट ये
फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया मैंने, अब ये फ्रैक्शन में है, अब इसको ज़रा सही से देखिएगा आप, फ्रैक्शन आ गई इसके अंदर। तो पहले तो मैंने बता दिया आपको कि दूसरी लाइन में आप लगा देंगे फार्मूला ही आना, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो 64 जो है 4 का क्यूब होता है, और y6 जो है हम क्या करेंगे, y2 अंदर लिखेंगे और लगा देंगे क्यूब, ठीक है, प्लस का निशान डाल देंगे। 64 4 का होता है और y6 है ना, y2 अपॉन में लिखना, देखिए दोनों अपॉन में है ना बेटा, इसलिए अपॉन में ही लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे करके 4 ऊपर ले देंगे और y2 नीचे लिखेंगे और क्यूब बाहर लगा देंगे, होल क्यूब, माइनस प्लस का निशान, ये प्लस का निशान डालें आप, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया माइनस का निशान, तो माइनस का निशान अंदर आता है, याद रखिएगा, यहाँ प्लस के निशान नहीं आते बाहर, क्योंकि फार्मूले में देखें तीनों क्यूब के प्लस के हैं हमारे, याद रखिएगा। 8 की जगह 2 लिख देंगे हम, और y3 अंदर लिखेंगे और 3 बाहर, और ये माइनस का निशान अंदर लगा देंगे वाला, ठीक है। माइनस का निशान अंदर, 8 की जगह 2 लिखा, वाई की पावर 9 है, तो 3 3 9 करना है हमने, 3 अंदर 3 बाहर, ठीक है। अब माइनस 3 ए की जगह बी की जगह सी को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ब्रैकेट 4y² ले देंगे, 4y², दूसरे ब्रैकेट में 4/y² लिख देंगे, और तीसरे ब्रैकेट में माइनस का निशान डाल के 2y³ लिख देंगे, ठीक है। अब इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं आप, कि देखें आप देख रहे हैं 4 और ये y² से y² कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपका जो मतलब ये 4 3 4 था 12 4 था 48 48 2 था 96, ये आपके पास आ गया, और ये y³ बच गया, y² से y² कैंसिल हो सकता है, ये इसके इक्वल है। अब उसके बाद बराबर का निशान डालें आप, और a प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट में खाली है ना हमारे पास, तो 4y² लिखें आप, ठीक है, प्लस 4/y² लिखें आप, फिर माइनस 2y³ लिख दें आप, ये आ गया पहले ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आपने इनके स्क्वायर लिखने पहले तीनों के, तो 4 का स्क्वायर 16, y² का y4, ठीक है, और प्लस का निशान, 4 का स्क्वायर 16, y² का y4, और प्लस का निशान 2 का स्क्वायर 4, y³ का स्क्वायर y6, पहले स्क्वायर लिख दिए इन तीनों, उसके बाद माइनस का निशान डाला, ए और बी को मल्टीप्लाई करना, ए और बी को, तो चूँकि पॉजिटिव है इसलिए माइनस का निशान बरकरार रहेगा अपना पुराना वाला। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, y² कैंसिल हो रहा है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर ज़रा, ताकि आपकी समझ में आ जाए। 4y² को आपने मल्टीप्लाई करना है 4/y² से, 4/y², ठीक है, y² से y² कैंसिल हो गए, 4 4 था 16 आ जाएगा आपके पास, तो आप यहाँ 16 लिख देंगे, ठीक है, माइनस ए बी की जगह। फिर माइनस का निशान डालेंगे, बी और सी करना है आपने, ठीक है, बी और सी हमारे पास ये मौजूद है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर दें पहले आप इसको, ठीक है। अब 4/y² को 4/y² को मल्टीप्लाई करना है आपने 2y³ से 2y³, ठीक है, y² से y³ कटेगा बच्चों, ठीक है, तो पहले 4 2 था तो 8 आपका आ जाएगा, और y³ से y² कटेगा तो ऊपर बचेगा ओनली y³ में से y² देखें 2 छोटा है और y³ बड़ा है, तो 3 में से 2 के ऊपर बचेगा, तो आपका प्लस 8y आ जाएगा, यहाँ पर आप यहाँ 8y ले दें, और फिर माइनस का निशान डाल दें आप, c और a को करना है, तो c ये रहा, a ये रहा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा आपको, अलामत चेंज करनी पड़ेगी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 8 y² और y³ दोनों को पॉजिटिव है, जमा कर लें, y5 हो जाएगा, ठीक है, y5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये 5.5 के 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बुक के अंदर से करा दिए थे, आप इनकी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, देखने में तो लंबे लंबे लगते हैं काफ़ी, जब मैं अपने ज़माने में था 9वीं 10वीं क्लास में मैंने मैथ किया था, तो उस दौरान मुझसे समझ में नहीं आते थे ये, ठीक है, इतने लंबा फार्मूला होता है, इतने समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन अब जब जैसे जैसे दौर गुजरता है इंसान सीखता है, ठीक है, तो अब समझ में आने लग गए हमारे भी कुछ सवाल थोड़े बहुत, हम भी आपको सिखाने के लिए आपके सामने हाज़िर होते हैं, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएंगे, जो मैंने तरीका आपको बताया उसके मुताबिक आप कीजिएगा, ये 3-4 स्टेप का सवाल है, फटाफट समझ में आ जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको लॉजिक बताई ना उसके मुताबिक आपने काम करना, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये
फैक्टराइज में जो मैट्रिक में अब तो नवी में भी आएंगे तो उसमें भी लाजमी तौर पर ये एक आध मिला दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो आप जो है उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, उनको बताएं, ठीक है, और उसको सब्सक्राइब भी करेंगे नए आने वाले लोग, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे और इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट जो आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 5.6 होगी वो, ठीक है। 5.6 मैं तरतीब से ही आपको लाइन से करा रहा हूँ क्योंकि ये सब के सब इम्पोर्टेंट मशकें हैं, ये सब इम्पोर्टेंट मशकें हैं, सब में कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। 5.6 कराऊंगा, फिर उसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा, फैक्टराइज तो हमारे हो जाएंगे ख़त्म। फिर उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। और फिर LCM है और SCF के तमाम जो के इस साल सिलेबस में शामिल कर दिए गए, पहले नहीं आते थे, ये अब इस साल शामिल कर दिए गए। मॉडल पेपर मैंने इनको देखा था तो ये भी मैं करा दूंगा। उससे पहले मैं आपको याद दोहानी करा दूं कि ये जो बेटा ये SCF और LCM मालूम करना है, इसके लिए लाजमी तौर पर आपको फैक्टराइज आने चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सब के सब फैक्टराइज मेथड फैक्टराइज से किए जाते हैं। यानी जो भी आपने तकरीबन जो है इसकी 7-8 टाइप पढ़ ली है, ठीक है, 7-8 टाइप पढ़ ली है, अभी रिमाइंडर थ्योरी भी पढ़ेंगे तो तकरीबन 7-8-9 टाइप पढ़ लेंगे, तो फिर वो सब मिक्स करके सारे के सारे फैक्टराइज मिला देते हैं SCF के अंदर और LCM के अंदर। तो चुनाचे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन तमाम फैक्टराइज मेथड की जो मैं आपको करा रखे हैं, ठीक है। अगर आपको अबूर करना है, अभी नवी क्लास में आप लोग हैं, मैट्रिक में हैं, ठीक है, अभी आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो ये फैक्टराइज आपके साथ लगे रहेंगे, आपको अगर ये आते होंगे, आपने इनकी प्रैक्टिस करी होगी, तो इंशाल्लाह आपके समय फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए, कोई मसला परेशानी होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले के बदले आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर अगर ना हो तो फिर ये फैक्टराइज मेथड से आराम से आप शॉर्ट मेथड से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गए होंगे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।